हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस आज मम्मी पापा आ चुके हैं राजस्थान से, बच्चे भी गए थे उन्हें रेलवे स्टेशन लेने के लिए। मम्मी पापा मतलब 7 बजे उनकी गाड़ी आई थी, तो बच्चे 5:30 बजे उठ गए और फिर चले गए बिना नहाए धोए गए, मतलब मैं अभी आ गए घर पे 8:30 बजे आ गए थे। तो बस स्कूल होती तो इतनी मुश्किल से उठते हैं, पर दादू सा और दादी सा को लेने जाना था तो मतलब एक आवाज़ लगाई कि उठ जाओ जाना, तो उठ भी गए और चले भी गए सुबह सुबह। हमारे घर से मतलब 1 घंटा लगता है रेलवे स्टेशन जाने में, तो फिर वो लोग 6 बजे निकले थे घर से, उठ तो 5:30 बजे गए थे। तो बस अभी, और हाँ मैं अभी ये गऊँ साफ करने वाली थी लेकिन अभी नहीं करूँगी क्योंकि जो हमारी हाउस हेल्पर है वो कल भी नहीं आई थी और अभी भी मैंने उसको आज भी मतलब 3-4 बार फ़ोन किया लेकिन उसने रिसीव नहीं किया, तो पता नहीं वो आज भी नहीं आए। तो फिर ये गऊँ में मेरा पूरा टाइम निकल जाएगा आधा दिन ऐसे ही, तो झाड़ू पोछा में लेट हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, पहले झाड़ू पोछे करने पड़ते हैं। तो बस अभी इतनी दूर उसका वेट किया तो पहले लगेंगे झाड़ू पोछे में क्योंकि वो मुझे नहीं लगता वो आएगी आज भी क्योंकि उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया इसलिए। तो इसी के साथ बस अब घर में बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी इतनी बच्चे भी घर, मम्मी पापा भी आ गए तो पूरा घर ऐसे बातें कर रहा है। तो आप लोग भी बने रहिए हमारे आज के एक नए ब्लॉग में। खाना यहाँ पे ऑलमोस्ट बनकर हो चुका है डन। इसमें हमने बनाए भरे हुए बैंगन की सब्जी और चावल यहाँ चढ़ा दिए और आटा लगा के रख दिया, रोटी बाद में बनाऊंगी। और पोचे का काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, ये देखिए ये लास्ट तक का ही था। और मम्मी राजस्थान से क्या लाई, यहाँ पे देखिए ये मिठाई का बॉक्स, ये डब्बा पूरा भरा हुआ था पर अभी बच्चों ने आधा कर दिया। और ये शादी की मिठाई, मामोसा के यहाँ पे शादी थी उसकी, बूंदी बालूशाही। और यहाँ पे इस थैली में चने लग रहे हैं, ये सूखे हुए हरे चनों में से निकाले हुए। और हम लोग मम्मी पापा को हमने ना ही बोला था कि आप ट्रेन में आ रहे हो इसलिए कुछ भी कैरी करके मत लाना क्योंकि ट्रेन में फिर सामान लाया नहीं जाता है, हम गाड़ी लेके जाते तभी लाते। और यहाँ पे लाए ग्रेप्स, ये रेलवे स्टेशन गए थे लेने के लिए तब लेकर आए। तो बस अभी हो गया खाने का टाइम, तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया मेरे लिए डिश, उस पर मैंने मेरे लिए रोटी ली और यहाँ पे मैंने मेरे लिए ले ली सब्जी। और अभी तो छाछ के बगैर खाना खाया ही नहीं जाता। फाइनली खाना हमने खाना खा लिया और ये रही मासी, मम्मी तो खाना खाकर रेस्ट करने लगे ना, थक गए इसलिए। और यहाँ पे ये मम्मी के सारे कपड़े हमने बाहर निकाले हैं क्योंकि अब अलमीरा में सेट करने हैं। मम्मी क्या क्या लेके आए राजस्थान से हम आपको बताते हैं, मम्मी के ब्याह की सीख है ना मासी। तो यहाँ पे मासी चेक कर रही है, मम्मी ने कहा कि मेरे को नहीं सिलाना, तेरे को पसंद आए वो ले लेना। ये भी सब मामोसा के घर से, ये पोशाक है ना, ये अच्छी लग रही है। और एक ये ग्रीन कलर का, ये सूट मम्मी के, वो जो मामोसा के यहाँ पे शादी थी उनके वहाँ से दिए ना, दूसरे मामोसा उनके वहाँ से ना, मम्मी के दूसरे भाइयों के घर से। अच्छे हैं सारे, अच्छा सारे सूट अच्छे हैं ना। अच्छा राजस्थान ही छोड़ के आए नहीं, इतना सारा ट्रेन में आए इसलिए सब साथ में लेके नहीं आए, बाकी ये सूट अच्छे हैं ये। फाइनली मैंने यहाँ पे गेहूं भी साफ कर दिए और चक्की भी चालू कर दी, मतलब अंदर पीसने भी डाल दिए क्योंकि मेरे पास में टाइम था तो मैंने सोचा साफ ही कर दूँ गेहूं कल पे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आज साफ करने थे और कल, मैं कल पे काम नहीं छोड़ती हूँ जब तक वो कोशिश करती हूँ कि आज ही हो जाना चाहिए जो काम आज का हो। तो बस गेहूं साफ कर दी और इनमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, खाली ये चलनी से छानने ही पड़ते हैं क्योंकि इनमें कंकर वगैरह कुछ आता ही नहीं है तो जल्दी से फटाफट साफ ही हो जाते हैं। तो बस अब गेहूं पीसते रहेंगे और तब तक मैं मोबाइल देख लूँगी। मैं हमेशा बिग बॉस देखती हूँ पर अभी तो वो पूरा हो चुका है, मैंने उसके मतलब पूरे सीजन देखे हुए हैं तो अभी बिग बॉस तो आता नहीं है, तो कोई वेब सीरीज वगैरह या पहले तो ब्लॉग देखती हूँ जिसके मैं हमेशा देखती हूँ। तो बस उसको मैंने फ़ोन भी किया था 2-4 बार बाद में भी लेकिन उसने उठाया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं उठाया, पता नहीं फ़ोन तो क्यों नहीं उठाया। कोई बात नहीं, आना हो तब आ जाएगी फ़ोन करते। हाँ वो ये लक्ष्मण जो अभी घर में आ रही है ना, मतलब यहाँ ऊपर गाँव रखे हुए हैं तो भी इतनी सारी चींटियाँ आ जाती है, तो भले लक्ष्मण चौक तो ऐसे हाथ में ही रखो कि बस जहाँ चींटी दिखे चौक को चौक फेर दो मतलब। तो बस अभी यहाँ पे मैंने चौक ही फेरी क्योंकि कल मैंने यहाँ ऊपर गाँव रखे थे और आज इतनी सारी अंदर चींटियाँ आ गई है और अभी बहुत ज़्यादा चींटियाँ भी बहुत आती है, तो बस ही मेरे हाथ में लक्ष्मण चौक थी। तो बस अभी है रेस्ट टाइम। फाइनली बच्चों की डिमांड पे आज फिर से एक बार बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे पास्ता, तो यहाँ पे पानी चढ़ाया, पानी गर्म हो गया और गर्म होने पे उसमें डाल दिए पास्ता उबालने के लिए, तो पास्ता तब तक उबल रहे तब तक चढ़ा दिया पैन, पैन में डाला तेल, तेल गर्म होने पे उस पर डाल दिया राई जीरा और ये वेजिटेबल प्याज टमाटर शिमला मिर्च पत्ता गोभी
जो मैंने क्रश किए थे, बस ये अच्छे से ऐड कर लिए और मिक्स कर लिए। इसके बाद में मैंने इसमें ऐड की थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते, और यहाँ पे सेजवान चटनी। फिर पास्ता उबल गए तो वो भी मैंने अंदर डाल दिए। उसके बाद में अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें डाला 1 टेबल स्पून सॉस और ये पास्ता बन के हो चुके हैं रेडी। फाइनली यहाँ पे पास्ता बनकर हो चुके हैं डन। और आज पास्ता बने थे यूवी की डिमांड पे और यूवी खाने भी लगे। यूवी कैसे लग रहे? मस्त। और यहाँ पे हमारे मम्मी भी लग गए आते ही काम पर। मम्मी सुबह आए थे पर बहुत ज्यादा थकान थी। अब कैसा है मम्मी? मारवाड़ में थकान उतरी गए, पूरा गलो खराब हो गया मम्मी का। ब्याह में गीत गणा गया देखो मम्मी। हाँ, मारवाड़ गया जो सर्दी तावनी। और ये वही लहसुन और वो मम्मी बस अपनी जगह पर बैठ गए। और यहाँ पे मासी क्या कर रही है? मैं आल काट रही हूँ। शाम की सब्जी की तैयारी आज मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। मम्मी थके हुए हैं, अभी 2-3 दिन तक थकान नहीं उतरेगी। तो यहाँ पे मैंने भी ले लिया मेरे लिए पास्ता। और ये देखो दोनों बायां कर रही है यहाँ पे पढ़ाई। किस में कर रही है सृष्टि? एग्जाम? साइंस। एग्जाम तो अभी कितना टाइम बाकी है ना? 10 दिन बाकी। ओके। और किस तू? SS। आज रील अच्छी बनाई थी तूने। हैं क्या? SS में कर रही हूँ। SS में नहीं, वो रील का मैं गाना भूल गई। जो भी हो जाए, नहीं जाना स्कूल, नहीं जाना स्कूल तो जाना पड़ता है। रील भले बनाई है हमारे तुलसी माता। और ये रही मेरी पास्ता की डिश। और ये रहा बाहर का मौसम जो बहुत ही खराब हो रखा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि गर्मी नहीं बारिश की सीजन चालू हो गई हो। तो मैं बस बाहर बालकनी में लेके आई मेरे पास्ता खाने के लिए। और ये पूरा बाहर का नज़ारा। सबने पास्ता खा लिया, सच में बहुत अच्छे और टेस्टी बने थे। बच्चों को तो पास्ता बहुत ही पसंद आता है। तो बस अब मैं करूँगी बर्तन क्लीन और मासी बना रही है सब्जी। और अभी हमारे घर पे एक भैया आए, मतलब वो लंदन से आए हैं। वो जब से भी आए ना तब से हमारे इतनी ब्लॉग की बातें कर रहे हैं कि मैं वहाँ ब्लॉग देखता हूँ, मुझे वहाँ अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं तो, वो मेरे बड़े भैया मतलब जेठ जी लगते, तो मैं उनका वीडियो नहीं बना सकती, नहीं तो मैं उनकी पूरी सारी बातें बताती। वो इतने खुश हो रहे हैं हमारे ब्लॉग देख के और उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वो लंदन में रहते हैं और उन्हें हमारे मतलब फैमिली से दूर रहते हैं, तो किसी को ब्लॉग देखने को मिले तो उन्हें कितनी अच्छी खुशी मिलती है। तो बस मैं किसी को भी फ़ोन दूंगी और आप भी देखना कि भैया कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। आपका ब्लॉग मैं हमेशा लंदन में देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं हर रात रोजाना जब भी ब्लॉग आता है मेरे पे, जब भी मैसेज आता है, तब मैं रोज रात को 10:30 बजे बाद में रोज देखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ब्लॉग। और सब्सक्राइब करो आप। और भैया के जाने के बाद में हमारे घर पे आई ये प्यारी सी भाभी इसके मम्मी पापा के साथ में। ये आज हमसे मिलने के लिए आए थे, उस दिन जो घर का टूर करवाया था। ये वही भैया है और ये मिताली बहन है, हम लोग इनके घर पे गए थे। तो बस अभी ये लोग वापस जा रहे हैं घर पे। और यहाँ पर लगा दिया है कपड़ों का ढेर, कपड़े मतलब धोए हुए कपड़े। और ढेर इसलिए लगा क्योंकि कल पता है कपड़े पूरे शामिल हो गए थे, तो सूखे नहीं थे तो अंदर सुखाए थे, तो आज हो गए हैं डबल। और सृष्टि अभी तक उसी पोजीशन में। सृष्टि ब्रेक लिया कि नहीं लिया? लिया, लिया था। और यहाँ पे हो गए शाम के दियाबत्ती। और यहाँ पे ये आल की सब्जी भी बन के हो चुकी है रेडी। और साथ में इसमें हमने थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाई है, सिंपल खिचड़ी। और ये मासी जी फ्रिज में से कुछ निकाल रहे हैं। मासी मम्मी पापा आ गए, अब घर में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मैंने कपड़े समेट लिए, बस खाली आयरन करना बाकी है। और यहाँ पे किस्सू पढ़ाई कर रही है, उधर सृष्टि पढ़ाई कर रही है। खाना ये लोग खाने वाले हैं नहीं क्योंकि इन्होंने खा लिया है पास्ता। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।